अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार संस्कार। मैं हूँ आमरीन, अमरीका चैनल ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। मैं हो गई हूँ रेडी एंड अभी बज रहा है 10 एंड मैं यहीं रुकी थी, तो इसके वजह से मेरा सारा काम जल्दी जल्दी हो गया है। मैंने साफ सफाइयाँ भी कर दी हैं, सब अच्छे से सब सेट कर दिया है। और अभी न्यू ऑफिस है ना, तो बिल्कुल एकदम मैनेज करना बहुत अच्छा लगता है। मतलब बिल्कुल एकदम लगता है कि मेरा ऑफिस एकदम अच्छे से रहे, साफ सुथरा रहे, एकदम अच्छे से मैनेज रहे और सब कुछ कर दिया। मैं भी हो गई रेडी, बस अब करते हैं नाश्ता और फिर देखते हैं आगे क्या करना है, क्योंकि अभी बहुत सारा काम है। बहुत बहुत दिन बाद सब कुछ सेट हुआ है, तो अभी बहुत सारे काम करना है। सब कुछ सेट करते हैं, सब कुछ मैनेज करना है और देखते हैं क्या करते हैं। चलिए चलते हैं, पहले करते हैं ब्रेकफास्ट, फिर उसके बाद मिलते हैं आप सबसे। ब्रेकफास्ट हो गया है मेरा एंड साफ़ सफाइयाँ भी हो गई हैं। अब मैं लेके बैठी हूँ अपनी ग्रीन टी, क्योंकि मैं बहुत इग्नोर कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा वो कर रही हूँ कि मैं चाय छोड़ दूँ, क्योंकि मुझे चाय की बहुत ज़्यादा लत लगती है। जब मैं यहाँ ऑफिस में बैठती हूँ तो मुझे चाय कई बार मैं पी लेती हूँ, तो इसकी वजह से मैं लेके बैठी हूँ ग्रीन टी। मैं पीऊँगी ग्रीन टी और उसके बाद में मेरा एक पार्सल आया है, आप लोग को दिखाती हूँ। बहुत ही प्यारा सा एक लैम्प मैंने मंगवाया था, देखते हैं कैसा आया है और उसका मैं बिल्कुल करेक्ट रिव्यू देती हूँ। अगर आप अगर अच्छा आएगा ना, आपको मंगाना हो तो आप मंगा सकते हो। मैंने अपने ऑफिस के लिए मंगाया था, देखते हैं कैसा आया है एंड मुझे पसंद आता है या नहीं। आप लोगों को कैसा लगता है ये भी देखते हैं। ये देखो, ये रखी है ग्रीन टी। इतनी सी मैं पीती हूँ, थोड़ी सी, 2-3 दिन बार पीती हूँ। मतलब पूरे दिन में मैं 3 बार कम से कम पी लेती हूँ। जब मुझे चाय की लत लगती है ना, तो मैं ग्रीन टी पी लेती हूँ। मेरे पास आए हैं अभी ये 2 पार्सल्स, जो कि मैं इसकी करूँगी अनबॉक्सिंग एंड आपको भी दिखाऊंगी। बस ऊपर ऊपर से मैंने खोल के चेक कर लिया था, क्योंकि मेरे साथ कई बार ऐसा हो चुका है कि उसके अंदर कुछ और ही निकल आता है, तो इसकी वजह से मैंने बस हल्का हल्का से चेक कर लिया कि जो मैंने मंगाया वही है कि नहीं, और बस फिर अनबॉक्सिंग करूँगी मैं आपके सामने। चलिए चलते हैं, पहले अपने जो पार्सल है उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। एंड ये मैंने एक वॉच मंगवाई थी, जो कि बहुत प्यारी सी दिख रही है, पर फोटो में इस तरह नहीं है। बहुत छोटी सी दी हुई है, 1183 रुपीज़ की है, 1183 रुपये की है, पर फोटो में जिस तरह दिख रही है, अगर रियल में शायद इस तरह देते तो बहुत ज़्यादा सुंदर आती। आप देख सकते हो एंड रियल की देख सकते हो एंड फ़ोटो की भी देख सकते हो कैसी है। मुझे नहीं अच्छी लगी, पता नहीं क्यों, क्योंकि छोटा सा, इतनी छोटी सी वॉच दी हुई है रियल में, फोटो में बहुत बड़ी दिखा रहे थे, पर वॉल पे लगाने पे अच्छी नहीं लग रही थी। ऐसे बड़ी सी होती ना, मैंने देखी थी दिल्ली में, तो वो बहुत बड़ी सी थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी। पर ये और इसके ना पीछे से थोड़े थोड़े से प्रिंट भी हटे हुए थे और इसकी हैंगिंग का कुछ इस टाइप से था, तो जो मैंने लगा रखी है वॉच, तो वो बीच में मैंने वॉच लगा रखी है और यहाँ साइड साइड में हैंगिंग का था, तो साइड साइड से प्लाई ख़राब हो जाती है। अगर कभी हम चेंज करना चाहें तो वो स्पेस ख़राब हो जाएगा, तो मुझे इसलिए अच्छी नहीं लगी। बाकी वॉच बहुत प्यारी थी एंड मैंने दिल्ली में देख रखा है, शायद मुझे इसलिए नहीं अच्छी लगी, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ी बड़ी सी बड़कील बड़कील इतने ही प्राइस में मिल जाती है। कोई बात नहीं, दूसरा ये देखते हैं। और उसके बाद मैंने ये मंगाया है लैम्प, जो टेबल लैम्प, जो कि 963 रुपीज़ का है और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे 963 रुपीज़ के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से ये बहुत अच्छा था। क्योंकि मैंने इसको एक आध जगह और भी देखा है, तो वहाँ थोड़ी सी प्राइस हाई थी पर सेम था, पर इसमें क्या था कि पेंट जो था वो छोटा छोटा हुआ है, तो इसके वजह से मुझे ये अच्छा नहीं लगा। चलिए चलते हैं, पहले असेंबल करते हैं, देखते हैं कैसे असेंबल होगा, फिर आपको दिखाते हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं है कुछ भी असेंबल करने का। और इसमें मिले हैं स्क्रूज मिले हैं और ये बहुत इजी लगा मुझे असेंबल करना। जब मैंने इसको रखा, एक पे एक ऐसे रखा, सारे स्क्रूज आ रहे थे और बस इसको मैंने बहुत ही ईजली असेंबल कर लिया सारी चीज़ों को। मैंने स्क्रू नहीं लगाया क्योंकि मुझे थोड़ा सा कलर फेड फेड दिख रहा था, इसी वजह से मेरा मन ख़राब हो गया था। मैंने सोचा था अगर मैं स्क्रूज यूज़ कर लूँगी तो फिर ये शायद एक्सचेंज होने में प्रॉब्लम हो, मैं इसे एक्सचेंज करूँगी फिर इसे मैं लगाऊँगी। मैं लगा के अच्छे से ट्राई कर रही थी, फिर उसके बाद मैं एटलीस्ट असेंबल कर ही लिया मैंने। ये देखो गाइज, इसे असेंबल करना बहुत ज़्यादा इजी है। जैसे ही ये रखा है ना, इसको एक के ऊपर एक ऐसे रख के इसमें स्क्रूज दिए हुए हैं, स्क्रू को बस इसमें डाल के आप टाइट कर दो और ये सारा असेंबल हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इजी है इसको असेंबल करना। एंड इसके बाद में दिया हुआ ये,
इसको बस ऐसे रखना है, ये रखा हुआ है, इसको कोई भी फिक्स नहीं करना है। आप देख सकते हो, मैं ये दिखाती हूँ, ये देखो मैंने लगा दिया है बल्ब एंड इसको जला भी दिया है। बस बल्ब को भी लगाना बहुत ईजी है, बस हल्का हल्का सा रोटेट कर दो, बल्ब फिक्स हो जाएगा। और उसके ऊपर इसको रख के फिर बल्ब को फिक्स करना, तो बहुत अच्छे से बल्ब फिक्स हो जाएगा। मैंने अभी इसको फिक्स नहीं किया है क्योंकि मैंने अभी देखना है, क्योंकि थोड़ा सा ना मुझे इसका पेंट फेट लग रहा है। आप देख सकते हो इसका ये पॉलिश जो है ना, ये उतरी हुई लग रही है। अगर मैं इसमें पेंट करवाती हूँ तो ये अजीब सा लगने लगेगा, जो इसमें रेशे हैं ना वो खत्म हो जाएंगे। तो इसकी वजह से मैं इसे थोड़ा सा एक्सचेंज करवाने वाली हूँ। इसकी वजह से मैंने इसको टाइट नहीं करा है, बस ऐसे ही असेंबल करके आपको दिखा दिया है। आप देख सकते हो कई जगह से मुझे ये फेड लग रहा है, ये डिजाइन नहीं है, कैमरा में इतने अच्छे से कैच नहीं कर रहा है, पर ना ये घिसा हुआ लग रहा है। तो इसे मुझे थोड़ा सा एक्सचेंज कराना है कि अच्छा पीस हमारे पास आ जाएगा। और ये देखो, देखने में कुछ इस तरह का लग रहा है। इसको मैंने यहाँ से जला रखा है, ये देखो बहुत प्यारा लग रहा है। अगर इसको हम कहीं रखेंगे ना साइड पे, बहुत अच्छा लगेगा। मैं अभी आपको रख के दिखाती हूँ गाइस, कितना प्यारा लग रहा है ना सोफे के साथ में, बहुत प्यारा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये देख सकते हो, एंड बहुत ज़्यादा अच्छा आया है, बस थोड़ा सा इसका कलर फेड है, इसकी वजह से मैं इसको एक्सचेंज करके और यहीं पे रखूँगी। और बहुत प्यारा लग रहा है, मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। एंड प्राइस भी मुझे ठीक ठाक ही लग रही है, नॉट टू हाई नॉट टू लो, मतलब मुझे ठीक लग रही है। इतनी प्राइस होनी हो ठीक है, अगर ये एक्सचेंज होके सही साथ आ जाता है तो, क्योंकि मुझे अगर पॉलिश करवानी पड़ेगी तो और ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा ये, और तभी अच्छा लगेगा। बिना विदाउट पॉलिश ये नहीं अच्छा लगेगा, अगर इसमें अच्छे से पॉलिश करके वो देते हैं ना तो ही अच्छा लगेगा। कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आई होप आपको जो हमने प्रोडक्ट मंगाया है अगर अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ कल, तब तक के लिए बाय, बहुत सारा प्यार दीजिएगा। एंड अगर आपको मंगाना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप मंगा सकते हो। और अच्छा था, बहुत अच्छा था, पर बस थोड़ा सा मुझे कलर फेड आया था, इसके से मैंने इसको एक्सचेंज किया है सिर्फ। और आप मंगा सकते हो, ऐसा नहीं है कि एक बार अगर उनका थोड़ा सा हल्का सा वो आ गया तो हमेशा ही आएगा, और नेक्स्ट अच्छा आएगा, उम्मीद तो मुझे यही है। और अगर आपको मंगाना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप मंगा सकते हो। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ कल, तब तक के लिए बाय, बहुत सारा प्यार दीजिएगा, बाय गाइस।